सो हेलो इसके फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में और आगे आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो दौर है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वैसे में जो है इंडिया में कई सारी कंपनियां आ रही हैं अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ। तो दोस्तों, उन्हीं एक कंपनी में से एक कंपनी जो की है राफ्ट मोटर्स, इनकी आज एक हम स्कूटर की फुल डिटेल रिव्यू करने वाले और देखने वाले की इसमें आपको कौन सा मोटर देखने को मिलता है, क्या ये रेंज ऑफर करती है, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें ऑफर हो जाते हैं और एक लास्ट बात करेंगे इस स्कूटर के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों चलिए इस स्कूटर के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राफ्ट मोटर की ओर से ऑफर की जाने वाली नुब्रा 46 मॉडल है। तो इसमें आपको टोटल 6 मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं और एक आपको बाइक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इस स्कूटर के फ्रंट से बात करते हैं। तो इसमें आपको कुछ इस टाइप का काफी खूबसूरत मतलब कि फ्रंट डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पर DRS देखने को मिल जाता है, जिसे कि मैं अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर में आपको फुल LED DRS देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको हेडलैम्प के जस्ट ऊपर में दोनों साइड में DRS देखने को मिलते हैं, जो कि इस स्कूटर को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प भी देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं इन्हें भी ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको डुअल LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और रात में आपको काफी अच्छे मतलब की रोशनी भी दे जाते हैं। और यहाँ पर आपको राफ्ट मोटर्स का लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 46 का ग्राफिक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प के जस्ट नीचे कार्बन टाइप का मतलब की फिनिश देखने को मिल जाता है और साइड में आपको नुब्रा का ये स्टिकर देखने को मिलता है। फ्रंट मडगार्ड के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको फ्रंट मडगार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि आपके कंफर्ट लेवल को काफी अच्छा इंप्रूव कर देता है। बात करते हैं दोस्तों टायर्स के बारे में, तो इसमें आपको 3.00 सेक्शन का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है और आगे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहां पर आपको राफ्ट मोटर्स का ही ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्कूटर के साइड लुक के बारे में, तो इस स्कूटर का जो साइड लुक है वो भी काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नुब्रा 46 का बेजिंग देखने को मिलता है ग्राफिक्स के साथ, जो कि देखने में काफी अच्छा खूबसूरत लगता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इसके रियर टायर के बारे में, तो इसमें आपको 90x100 सेक्शन के 10 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं और काफी अच्छे ग्रिप के साथ कंपनी आपको ये टायर ऑफर करती है। और यहाँ पर आपको छोटा सा रियर मडगार्ड भी देखने को मिलता है और कुछ इस टाइप का आपको डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा कंफर्ट आपको ऑफर करता है। बाकी दोस्तों रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस स्कूटर के रियर लुक के बारे में, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का टेल लैंप देखने को मिल जाता है। तो ये जो टेल लैंप है ये LED में आता है और यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है और कुछ इस टाइप का आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लाइट देखने को मिल जाता है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो झंझट है वो सब देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्ट आपको कंपनी से ये मॉडल परचेस करना है और आपको रोड के ऊपर चलाना है। इसमें आपको कोई भी नंबर प्लेट वगैरह का सीन देखने को नहीं मिलता, ना ही ये स्कूटर रजिस्टर होती है। तो दोस्तों आपके क्या विचार इस चीज के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और यहाँ पर आपको दोस्तों रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों इस साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये डबल शाइन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको की होल देखने को मिलता है, जिससे आप इस स्कूटर के सीट को ओपन कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों इस स्कूटर में आपको काफी कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाता है और ये देखा जाए तो काफी ज्यादा वाइडर भी है, जिससे आपको काफी अच्छा कंफर्ट ऑफर हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा कुशनी मतलब की सीट आपको कंपनी ऑफर करती है, तो आप लोग चाहें तो दो लोग काफी कंफर्टेबली इस स्कूटर से अच्छे अच्छे राइड्स वगैरह कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों आपको इस स्कूटर में कुछ इस टाइप का ग्रैबरेंस देखने को मिल जाता है, ये भी काफी हेवी मटेरियल के बने हुए हैं। अब चलिए दोस्तों इसे सीट को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मुझे इस स्कूटर का जो की है काफी ज्यादा मतलब की पसंद आया है, क्योंकि जनरली आपको इस टाइप के स्कूटर में कुछ इस टाइप का की देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको रिमोट लॉकिंग के साथ की देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको की देखने को मिलता है। बीच में आपको इंजन स्टार्ट करने का स्विच देखने को मिलता है। बाय द वे इसमें इंजन नहीं आता, इसमें मोटर आता है, तो उसे स्टार्ट करने का यहाँ पर आपको बीच में बटन देखने को मिलता है। अगर आप इसे दो बार प्रेस करते हैं तो ये स्कूटर स्टार्ट हो जाती है। वहीं इसे बंद करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना होगा और इसमें आपको एंटी थेफ्ट सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे क्लिक कर देते हैं ये नीचे वाले लोगों को, यहाँ पे लॉक वाले लोगों को, तो ये इसका जो व्हील है वो लॉक हो जाता है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि अभी जस्ट इसमें से कुछ आवाज आया है, तो इसका जो व्हील है वो लॉक हो चुका है। तो दोस्तों अभी कोई इस स्कूटर को अगर आगे लेकर जाता है या फिर आगे पीछे करता है तो ये स्कूटर जो है वो आवाज करने लगेगा, जिससे मतलब कि ओनर को पता चल जाएगा कि कोई उसके स्कूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो कि देखा जाए तो सेफ्टी के हिसाब से काफी अच्छी चीज है। बाकी दोस्तों इसमें आपको कुछ इस टाइप का की देखने को मिलता है, तो चलिए इसके सीट को ओपन करके देख लेते हैं।
बट दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसी स्कूटर में आपको कोई भी बूट स्पेस देखने को नहीं मिलता है, उसकी जगह पर आपको कंपनी यहाँ पर बैटरी ऑफर करती है, जिसके चलते आपको कोई भी यहाँ पर स्पेस देखने को नहीं मिलता। बाय द वे इसमें आपको लाइफ PO4 का बैटरी देखने को मिल जाता है और ये 36 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस स्कूटर के सीट के नीचे आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है, तो उसके बदले में कंपनी ने ये जो एरिया है फ्लोरबोर्ड का उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, जिसके चलते आप चाहे तो यहाँ पर एक सिलेंडर वगैरह रखकर इजिली कैरी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, आप चाहे तो काफी सारे यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको USB चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्कूटर के मीटर कंसोल के बारे में, तो दोस्तों इसे ऑन करते कुछ इस टाइप का आपको एनिमेशन बना हुआ आ जाता है। यहाँ पर आपको किलोमीटर्स पता चलते हैं कि स्कूटर कितना किलोमीटर चल चुकी है, और यहाँ पर आपको स्पीड पता चलता है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि इस स्कूटर में आपको गियर सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1, 2, 3 करके एक बटन दिया गया है, जिसे आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3 में जा सकते हैं। तो ये देखिए अभी इसका जो गियर है वो 3rd में लग चुका है, और यहाँ से टॉगल करते हैं, ये आ गई 2nd में, ये आ गई 1st में। तो बेसिकली इसका मतलब कि काम यह है कि अगर आप इसे 1 में रखते हैं तो आपको स्पीड जो है कम देखने को मिलता है, और अगर आप इसे 3rd में कर देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पावर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों लेफ्ट साइड में पता चलता रहता है इस स्कूटर का बैटरी कि अभी के टाइम पर इसका बैटरी कितना चार्ज है। बाकी दोस्तों बात करते हैं स्विचेस के बारे में, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको सबसे पहले इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है ऑन ऑफ, और ये मतलब कि गियर वाला स्विच देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको DRLs और हेडलैम्प को ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ से इस स्कूटर का जो मोटर है उसे ऑन कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आपको ये लो बीम और हाई बीम का स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस स्कूटर को आप कितने देर में चार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इस स्कूटर को फुली चार्ज करीबन 3 घंटे में कर सकते हैं। और बात करते हैं रेंज के बारे में, तो अगर आप इस स्कूटर को फुल चार्ज कर देते एक बार तो आपको करीबन 100 से लेकर 125 किलोमीटर के अप्रोक्स में रेंज देखने को मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्कूटर के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको कीलेस स्टार्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको ऑटोमेटिक चार्ज कट ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है, यानी कि अगर इस स्कूटर का बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। वहीं दोस्तों इसमें आपको रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, रिमोट लॉकिंग सिस्टम, पोर्टेबल बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसे आप चाहे तो इजीली निकाल कर कैरी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फीचर में मुझे एक अच्छी चीज ये लगी कि इसमें आपको रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हॉर्न के बगल में ही आपको R का एक लोगो देखने को मिल जाता है, तो अगर आप इसे राइट साइड में होल्ड करके और एक्सेलरेटर देते हैं तो ये स्कूटर ऑटोमेटिकली पीछे जाने लगती है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत आपको कर देगी। अगर आप सिटी वगैरह में हैं और आप पीछे नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी बहुत मदद करने वाली है, तो मैं आपको करके एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर R दबाने के बाद ये स्कूटी ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इस नंबर 46 के प्राइस के बारे में, तो हमारे एरिया ससाराम रोहतास बिहार राफ्ट मोटर शोरूम्स के ऊपर इस बाइक का इस स्कूटर का सॉरी जो प्राइस आपको देखने को मिलता है वो है करीबन 92,600 रुपीज के अप्रोक्स में। तो यहाँ मैं ऑनरोड प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा राज मोटर्स को, जहाँ पर आपको राफ्ट मोटर के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राफ्ट मोटर के सारे मॉडल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग शोरूम को विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक कम पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जो कि आपको काफी सारे फीचर्स वगैरह ऑफर करती हो, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो झंझट है वो सब देखने को ना मिलता हो, और जिसका लुक जो है काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो आप इस स्कूटर के साथ आंख मूंद कर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ।